subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छा हूँ फ्रेंड्स। आज मैं एक न्यू रेसिपी लेकर आया हूँ जिसका नाम है मैसूर बोंडा रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बिग बाउल ले लिया है और उसमें आधा कप मैंने दही ले ली है। और इसको देखिए फ्रेंड्स, मैं एक मिक्सर की हेल्प से इसको फेंट लूँगा थोड़ा देर। देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है और ये देखिए स्मूथ भी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ एक कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और इसमें डाल रहा हूँ 1/4 कप चावल का आटा है ये। इसमें 1 टीस्पून मैं जीरा डाल रहा हूँ, 2 से 3 चॉप की हुई मैं हरी मिर्च इसमें डाल रहा हूँ। देखिए आप मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। 1/2 टीस्पून जिंजर चिली पेस्ट डाला है मैंने। देखिए 1/4 कप चॉप किया हुआ मैंने हरा धनिया इसमें डाला है। स्वाद अनुसार इसमें देखिए मैं नमक ऐड कर रहा हूँ और 1/4 टीस्पून मैं बेकिंग सोडा ऐड करूँगा और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा। देखिए पहले ये ड्राई मिक्स करूँगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया था। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अपने पकौड़ी के लिए बैटर रेडी कर लूँगा। फ्रेंड्स एक संग पानी मत डालिएगा, अदरवाइज़ ये बैटर गीला भी हो सकता है। और अगर गीला हो जा रहा है, ज़्यादा पानी डल जा रहा है, तो आप इसमें मैदा थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ही डाल के अपना बैटर रेडी कर रहा हूँ। ये देखिए खूब अच्छे से मैं मिक्स कर रहा हूँ। इससे क्या होगा ना, बोंडे जो है ना बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। देखिए ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे कवर कर दूंगा, 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगा रेस्ट करने के लिए। देखिए 10 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ले रहा हूँ और मैंने देखिए कढ़ाई में तेल को खूब गर्म कर लिया है और अपना फ्लेम स्लो कर लिया है। इसको फ्रेंड्स मैं फ्राई करूँगा गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके एक एक बोंडा इसमें देखिए डाल रहा हूँ और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्रेंड्स तलेंगे। ये बहुत ही यम्मी बनेगा, तो आप ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इसको अपने घर में और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर आ गए थे। अब मैं इसको चम्मच की हेल्प से देखिए पलट पलट के इसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसको आप पलटना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा ना, इसका एक साइड का कलर ज़्यादा हो जाएगा और एक साइड का कलर कम हो जाएगा। ये देखिए मैं स्पून की हेल्प से इसको पलट रहा हूँ और इसको फ्राई कर लूँगा। देखिए रेडी हो गया है, कितना यम्मी लग रहा है फ्रेंड्स। अब मैं इसको एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लूँगा ताकि इसका एक्सेस ऑयल टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। और ये बहुत ही यम्मी पकौड़ा देखिए फ्रेंड्स हमारे रेडी हुए हैं। आप इसको कोकोनट की चटनी के संग सर्व करिएगा, ये बहुत ही यम्मी लगेगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे ऑल। बाय बाय।